दोस्तों बिहार में बिहार लाइविन बहाली को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, खुशखबरी निकल के आ रही है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, 10,000 से अधिक खाली लाइविन के पदों पर बहाली की मांग। तो दोस्तों कल बिहार लाइब्रेरी एसोसिएशन के 2 सदस्यीय अध्यक्ष कल शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी से मिले हैं। तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी बिहार लाइविन बहाली को लेकर क्या बोले हैं, इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बताने वाले हैं। क्योंकि बिहार में 2008 के बाद बिहार में बिहार लाइविन की बहाली नहीं आई है, तो कितने पदों पर ये बहाली निकल के आ रही है, ये बहाली कब निकल के आ रही है, शिक्षा मंत्री जी क्या बोले, शिक्षा मंत्री जी का क्या बयान है, इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, पटना बिहार लाइब्रेरी एसोसिएशन के बैनर तले शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर अपनी मांग रखी। वहीं लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश उपाध्यक्ष लोकेश कुमार ने संयुक्त रूप से बिहार में रिक्त लगभग 10,000 से अधिक लाइब्रेरियन के 10,000 से अधिक लाइब्रेरियन के खाली पदों को भरने का अनुरोध किया, शिक्षा मंत्री से किया। मंत्री ने आश्वासन दिया है कि विभाग के द्वारा इस पर काम किया जा रहा है। तो दोस्तों देख लीजिए कब तक ये काम किया जाएगा और ये वैकेंसी कब निकल के आएगी। ऐसा ही मुलाकात होती है और ऐसा ही मंत्री लोग आश्वासन देते हैं कि बिहार में बिहार लाइविन की बहाली आएगी। और कब आएगी, सिर्फ ये 2008 के बाद पेपरबाजी ही हो रही है। 2008 के बाद बिहार में बिहार लाइविन की बहाली नहीं आई और 15 वर्ष हो चुकी है, 16वां वर्ष चल रही है और बिहार में 15 वर्षों से बिहार लाइविन की बहाली नहीं आई है। देखिए कल शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी से मिला है, तो शिक्षा मंत्री बोले हैं इस पर काम किया जा रहा है और आश्वासन दिए हैं। अब देखिए कब इस पर काम किया जा रहा है और कब ये वैकेंसी निकल के आ रही है। तो अभी जो अपडेट निकल के आई वही हम आपके बीच शेयर किया, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। जैसे ही बिहार में बिहार लाइविन बहाली को लेकर जो भी अपडेट आएगा, वीडियो बनाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। थैंक यू।